पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद महानगर के वाजिद नगर स्थित प्रिंस शादी हॉल में आज अल्पसंख्यक हिस्सेदारी आंदोलन संगठन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक हिस्सेदारी आंदोलन संगठन के जिलाध्यक्ष सलीम बेग ने कहा कि चुनाव का समय आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमानों के वोट पर अपना अधिकार दिखाने की होड़ लग जाती है। सभी राजनीतिक दल के नेता मुसलमानों को तरह तरह से डर और असुरक्षा की भावना दिखाकर अपनी ओर लामबंद करने की कोशिश करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को वादों की लॉलीपॉप देकर उनका वोट अपनी तरफ ले लेती हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिस्सेदारी आंदोलन अब ऐसा नहीं होने देगा। राजनीतिक पार्टियों को अगर अब मुसलमानों का वोट चाहिए तो उनको मुसलमानों से सीधा संवाद करना पड़ेगा। मुरादाबाद से भी पीसी के जरिए हम लोगों तक इस आवाज को पहुंचा रहे हैं। हालांकि अल्पसंख्यक हिस्सेदारी आंदोलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 6 फरवरी को दिल्ली में भी की है। अल्पसंख्यक हिस्सेदारी आंदोलन दरअसल देश भर के अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमान उन वोटर्स जो नौजवान लड़कियां लड़के हैं उनमें एक अलग जगाना चाहता है कि अपने वोट की कीमत को समझो। चूँकि ये इलेक्शन का दौर है, लोगों को आपके वोट की ज़रूरत है, आप अपने वोट के लिए 100% वोट भी करें और साथ ही वोट अपना शर्तों के साथ करें। अब तक जिन सेकुलर जमातों को सेकुलरिज्म के नाम पे हम लोगों ने वोट किया उनका सारा चिट्ठा हमारे सामने मौजूद है। मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। अगर सेकुलरिज्म के नाम पर वोट हासिल करने वाले सेकुलर राजनीतिक दल हमें सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी और हक देते तो शायद आज इस कदम को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस आंदोलन को मुरादाबाद की सरजमीन से शुरुआत की जा रही है और इसके बानी हाजी असलम अंसारी साहब हैं जो इसके संरक्षक भी हैं।